डीएमके के नेता उदयनिधि का जो बयान है दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं पहले तो नेताओं को चेताना चाहूंगा कि अगर सनातन के बारे में, सनातन संस्कृति के बारे में, धर्म ग्रंथ के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं हो तो उस पर बहस नहीं करना चाहिए। धर्म को पहले पढ़ लो, सनातन संस्कृति को पहले जान लो, तब अपने बयान दो। चाहे वो बिहार के शिक्षा मंत्री हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हों, चाहे डीएमके के नेता हों, सबसे मेरा एक ही निवेदन है कि आप तो धर्मगुरु हो नहीं, तो आप ऐसे बयानबाजी क्यों करते हो? आप एक राजनेता हो, लूट हत्या बलात्कार व्यभिचार बेरोजगारी वेशिक्षा, इस पर चर्चा करो, पर चर्चा करो, चलाओ, लेकिन धर्म पर बोलने का आपको अधिकार नहीं है। धर्म पे बोलोगे तो सठे साठे समाचरेत, जिस दिन साधु पागल हो जाएगा, एक तो तुम पागल हो ऐसा बोलते हो, तो साधु पागल होता है तो ठीक करता है, तो ऐसा स्थिति ना बन जाए कि साधु भी पागल हो जाए कि तुम लोगों को ठीक करना पड़े, ये अच्छी बात नहीं है। या देश संविधान से चलता है तो संविधान में सबको अधिकार दिया है अपने अपने तरीके से बात रखने का, लेकिन यह भी अधिकार नहीं दिया है कि किसी भी संस्कृति को, किसी भी धर्म को अपमानित करने का। तो संविधान के दायरे में रहोगे तो ठीक रहोगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, जिस दिन कायदे में नहीं रहोगे उस दिन ठीक नहीं होगा। तुम्हारे साथ भी सनातनी कुछ कर सकते हैं।